हाय स्टूडेंट्स मेरा नाम सोनिया है मैं विद्यागुरु से हूँ करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 के जो अभी आप देखने वाले हैं ये फाइनल लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे थे तो देख लीजिए शायद कुछ बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे सीधे सीधे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये हिंदी मीडियम का सेशन है बस एक बात अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे दैट कम्प्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्ले आप वो भी जाकर के देख सकते हैं पर ये हिंदी वाला सेशन है स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से उम्मीद तो मैं करूंगी आपको अच्छे से अच्छा समझाने की बट फिर वही बात करंट अफेयर्स में पॉइंट वाइज अप्रोच से क्वेश्चन अगर याद हो जाए और सीधे एग्जाम में आ जाए तो फायदा होगा ना ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास है तो हम कह रहे हैं इंडिया इन फोकस हमारा पहला टॉपिक है स्टेट विजिट टू इंडिया लिखा है सब टॉपिक के तौर पर कई बार क्या होता है जरा सुनिए तो ये ऐसा होगा कि कुछ लोग हमारे यहां से अब कुछ लोग नहीं बोलना चाहिए था मुझे मुझे बोलना चाहिए था क्या पता प्रधानमंत्री जा रहे हो क्या पता हमारी प्रेसिडेंट जा रही हो तो हम कह रहे हैं कि जब ऐसे बड़े लोग किसी और कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वहां से कोई आता है हमारी कंट्री में तो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहां के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जूम तो ये किया जाता है कि हम अपने वालों को तो जानते ही हैं फिर वही बात कई बार नया अपॉइंटमेंट होता है मतलब किसी देश में नए प्रेसिडेंट बने या नए प्रधानमंत्री बने तो आपको ये सब पता होना चाहिए स्टेट विजिट टू तो इंडिया अब यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री में आके गए हाल फिलहाल तो हम मोहम्मद मोइजू से स्टार्ट करेंगे जो मॉलडीवस के प्रेजिडेंट है क्वेश्चन आपने याद कर लिया है नहीं करा है, तो मैं पांच बार बोल के आपको पका पका के याद कराऊंगी मॉलडीवस के प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद मोईजू है ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर इसीलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मोहम्मद के प्रेसिडेंट ये स्टेट विजिट टू इंडिया सब कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है ये कुछ लोग थे जो हाल फिलहाल हमारे देश में होकर गए नेक्स्ट सवाल देखिए जरा पीएम ऑफ ऑफ एंड्रू का योर होलिस्ट यो प्रधानमंत्री ने बहुत बार Uh, बहुत बार बात करते हुए आपको कॉन्वर्सेशन आपने सुनी होगी और बहुत सारे हमने अग्रीमेंट टाइप साइन करे किस तरह की हेल्प हम करने वाले हैं हम यहाँ पर प्रधानमंत्री जमैका के थे जिनका नाम क्या है एंड्रू होल्नेस एंड्रू होल्नेस चार बार बोलिए याद हो जाएगा एक बार हो सके तो वीडियो को दोबारा कभी खोल लीजिएगा अभी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा नहीं देख सकते हैं मैं समझ रही हूं तो हम कह रहे हैं पीएम ऑफ जमैका जो इंडिया विजिट पे थे जिनका नाम एंड्रू हुस है याद करना है पक्का से वीडियो खत्म होने से पहले स्पेनिश प्रेजिडेंट पेड्रोसनशेस स्पेनिश प्रेजिडेंट पेड्रोसेंशेस हो क्या रहा था इंडिया और स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म और एआई हमने यहाँ डिक्लेयर किया अब मीटिंग होती है तो कुछ अच्छी अच्छी बातें उन करते हैं इंडिया वैसे भी ए आई बहुत कर रहा है हम क्या कर रहे हैं वो आपको ही पता होगा मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ए आपको पता होगा आपने ऑप्टिमस देखा आपने लॉन्ग मास्क देखा और आपने ऑप्टिमस का प्राइस देखा और आप बड़े खुश हुए यहाँ पर भी हम ए की बात कर रहे हैं छोड़िए है, रोबो रोबोज की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं इंडिया स्पेन एक ही बात है इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड ए दोबारा सुन लीजिए इंडिया स्पेन कल्चर टूरिज्म ए आई ईयर डिक्लेयर किया है 2026 को हम कह रहे हैं पेड्रो पेड्रोसेंशेज इंडिया विजिट पर थे प्लीज याद करो प्लीज याद करो पेड्रो पेड्रोसनशेज इंडिया विजिट पर थे 2026 को ईयर ऑफ कल्चर ईयर ऑफ टूरिज्म ईयर ऑफ एआई इंडिया स्पेन डिक्लेयर किया नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम अटेंड सिक्सटीन ब्रिक्स समिट आपके लिए ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका वो ब्रिक्स है तो ब्रिक्स का समिट इंपॉर्टेंट होता है यहां पर बात चल रही है सोलह नंबर के ब्रिक्स समिट की तो सोलवे नंबर का ब्रिक्स समिट सोलवे नंबर का ब्रिक्स समिट जो प्रधानमंत्री ने अटेंड किया वो रशिया में अटेंड किया जगह का नाम सुनिए कजान रशिया है ठीक है उसके बाद देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो ब्राजील है ब्रिक्स का जो बी है नेक्स्ट वाला जो समिट होने वाला है वो ब्राजील होस्ट करेगा देखिए ना जितनी कंट्रीज है तो हम प्रेमरली क्या सोचेंगे कि उतनी कंट्रीज में हम क्या कर लेंगे वहीं पर ही हम उनको ही होस्ट बना लेंगे वही चेयर करते नजर आएंगे वही प्रेसिडेंटशिप करते नजर आएंगे तो बारी बारी नंबर आता है तो ब्राजील का नंबर है नेक्स्ट वाला अभी वाला जो मैंने कहा आपको रशिया वाला कजान रशिया वाला जो प्रधानमंत्री ने इस बार वाला सोलवें नंबर का अटेंड किया है वो कजान रशिया यानी कि रशिया जो था वो चेयर था अगला चेयर अगली बार वाले में ब्राजील चेयर करेगा ब्रिक्स को तो पीएम अटेंड नंबर का ब्रिक्स समिट अब आप अच्छे बोलोगे कि सत्रहवें नंबर का पढ़ाया नहीं जबकि डिक्लेयर हो गया तो सोलवे के बाद सत्रहवा ये रहा ना नेक्स्ट ब्रिक्स चेयर कौन ब्राजील नंबर का कौन ब्राजील नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीएम अटेंड नाइनटीन ईस्ट एशिया समिट एंड ट्वेंटी फर्स्ट आसियान इंडिया समिट अब ये वियतनाम नहीं है ये वियतनाम नहीं है ये वियंटियान है ये लाओस है समझ रहे हैं तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपने पढ़ लिया पीडीआर पढ़ लिया और आपने कहा लाओ पीडीआर क्या है तो ये लाओस है लाओस के अंदर जगह है वियंटियान हम कह रहे हैं ये वियंटियान के अंदर लाओस के अंदर पीएम ने उन्नीसवें नंबर का उन्नीसवें नंबर का ईस्ट एशिया समिट एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इक्कीसवें नंबर का आसियान इंडिया समिट ईस्ट एशिया आसियान इंडिया ईस्ट एशिया आसियान इंडिया प्लीज समझो थोड़ा समझो रेपिटेशन का कोई वैल्यू होता है मैं एक लाइन पढ़ के सीधा उस पर नहीं जा सकती हूं क्योंकि आपको याद नहीं होगा ईस्ट एशिया समिट आसियान इंडिया समिट कहां पर लाओस में जगह मैंने क्या बताया वियंटियान और ये 19th नंबर का और वो 21st नंबर का रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2024 वाला न्यू दिल्ली में हुआ दोबारा दोबारा 8th नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 वाला न्यू दिल्ली ठीक है तो ये ध्यान रखिए नंबर ये ध्यान रखिए क्या ये ध्यान रखिए वेन्यू तो एक तीन तीन क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा आप जवाब दे पाओगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस को सिली क्वेश्चन समझना बच्चों की आदत होती है और ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में दिखता है तो प्लीज इंडिया मोबाइल कांग्रेस आठवें नंबर वाला न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन थीम इसका तो द फ्यूचर इज नाउ इसका थीम है एक बार रिवाइज करते हैं ध्यान से सुनिए इंडिया एंड फोकस स्टेट विजिट स्टेट विजिट टू इंडिया मोहम्मद मुइजू मोलडीव के प्रेजिडेंट है पेड्रोसनशेस स्पेन के प्रेसिडेंट हैं एंड्रू होल जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एन ए 2026 को डिक्लेयर किया है पीएम ने सोलवे नंबर का ब्रिक्स समिट जो था वो कजान रशिया में किया अगला जो होगा वो ब्रिक्स समिट बेसिकली वो ब्राजील होस्ट करने वाला है पीएम ने उन्नीसवें नंबर का ईस्ट एशिया समिट और इक्कीसवें नंबर का आसियान इंडिया समिट वियंटिया ट uh, लाओस में और आठवें नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में जिसका थीम था फ्यूचर इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अब आप समझ गए मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ अगर आपने लाइक like का बटन नहीं दबाया है तो मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप लाइक like का बटन दबा चुके हो दबा दोगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशंस तभी आएंगे जब आप बेल आइकॉन प्रेस करोगे नोटिफिकेशन आएंगे आपको पता चल जाएगा हमने नया वीडियो डाला अब अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स लेने के लिए आप नीचे नंबर्स जो दिए गए उन पर कॉल कर सकते हैं आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो ऑनलाइन डॉट डॉट इन वेबसाइट है आप उस पर जाके भी अपना चॉइस का कोर्स ले सकते हो हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे आपको सारे एग्जाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की अच्छा अगर आपने कभी भी कोई भी एग्जाम दिया तो आपको ये पता है ना करंट अफेयर्स में जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको फीडबैक देना है वापस आ करके जब आप एग्जाम देने जाओ कोई भी कमेंट सेक्शन में देख करके बताना कितने क्वेश्चन कराए हुए आए प्लीज़ बताना चाहे तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आए बट बताना जरूर कौन से आए वो भी बताना एग्जाम डेट बताना नाम बताना आई एल बी वेरी हैप्पी आई एल बी वेरी थैंकफुल इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ ये ज़रूर करना स्टेट न्यूज़ का टाइटल है बच्चों स्टेट न्यूज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं ज़रा देखो आप फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स आपको लगेगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं तो अब जब एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ये फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं तो नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट स्टेट उड़ीसा सेकेंड यूपी थर्ड गुजरात को तो देना ही होता है तो पुडुचेरी और गुजरात को भी कुछ ना कुछ गुजरात को देंगे तो इसलिए पुडुचेरी और गुजरात को मिला के दे दिया नेशनल फिफ्थ नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड्स फिफ्थ नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड्स पहला ओडिशा दूसरा यूपी तीसरा पुडुचेरी एंड गुजरात मिला के ये क्या है ये स्टेट्स हैं नेक्स्ट में कहता है जरा सुनिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसको विशाखापट्टनम अगर विशाखापट्टनम है तो आंध्र प्रदेश है आपको पता है ठीक है साउथ जोन में तो विशाखापट्टनम है साउथ जोन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट है बंजारा विरासत म्यूजियम अनवेल्ड इन महाराष्ट्र दोबारा सुनिए बंजारा विरासत म्यूजियम अनवेल्ड इन महाराष्ट्र ये याद रखिएगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लीज याद रखिएगा एक क्वेश्चन है अगर आप नीचे देखो हमने ना इसका कुछ मोटिवेशन लिया है, हमने इसके लिए कुछ इंस्पिरेशन लिया है आप कहोगे कैसी बात कर रही है एक्चुअल में देखो आप साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया के अंदर एक नदी है मतलब नदी हैंड रिवर है साउथ कोरिया के अंदर हैंड रिवर एक प्रोजेक्ट है हमने ना उसको मॉडल बनाया हमने उसको दिमाग में रखा कि जैसे जिस तरह से उसको रिवाइव किया गया उसी तरह से हम भी क्या करेंगे तेलंगाना की मूसी रिवर का रेस्टोरेशन करेंगे इसको रिवाइव करेंगे इसको उसी तरह से बिल्कुल जीवंत बना देंगे समझे आप मैं क्या कह रही हूँ नदियाँ सूख जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पानी नहीं आता है खराब हो जाता है कुछ भी करते हैं हम लोग तो नदियों को रिवाइव करना रेस्टोर करना जरूरी होता है ना, तो नदी का रेस्टोरेशन हो रहा है यहाँ पर तेलंगाना नदी का रेस्टोरेशन हो रहा है बच्चों नदी कौन सी म्यूसी रिवर म्यूसी रिवर तेलंगाना वाली किसके तर्ज पर जैसे साउथ कोरिया की हैंड रिवर जैसे साउथ कोरिया की हैंड रिवर प्रोजेक्ट है रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जैसे उन्होंने रिवाइव किया रेस्टोर किया हम भी वैसे कर लेंगे जरा सुन लीजिए तो कंपैरिजन किया जा रहा है उसे मॉडल बना करके प्लीज ध्यान रखिए तेलंगाना मुसी रिवर साउथ कोरिया की हैंड रिवर अच्छा इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क काजी असम में है इतना फेमस इतना खूबसूरत जिरंगा नेशनल पार्क दूसरे नंबर पे नामदाफा नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में एक और सुपर सुपर खूबसूरत खूबसूरत पार्क तो हम कह रहे हैं भी नेशनल पार्क है इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई बा एक्चुअल में यहां पे बटरफ्लाई वाली ये समझिए ना बात चल रही है तो बटरफ्लाई कोई और मतलब मत समझिए यहां पर हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तितनियों तो की बात कर रहे हैं तो इंडिया का बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब मल्टीपल टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई तो डाइवर्सिटी हब काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में है कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि काजीरंगा कहाँ है तो आपको लगा ये तो जोग्रफी का क्वेश्चन आ गया लेकिन वो तो करंट अफेयर्स का होगा क्यों क्योंकि क्यों, अभी काजीरंगा की हाल फिलहाल बात चल रही होगी काजीरंगा श्याम में है काजीरंगा नेशनल पार्क है मैंने कहा सेकंड नंबर का बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हम इसे ही बनाया गया है अब आपसे कोई पूछ लेगा तो पहले नंबर का कौन सा था तो पहले नंबर का नाम राफा जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद रह जाए ये अरुणाचल प्रदेश में है दोनों का नाम याद रखिए क्योंकि बात चल रही थी अभी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाएगा सुन लो नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एच का इनिशिएटिव है टू कर् ड्रग ट्रैफिकिंग एक्चुअल में एचपी ये पैकेट नहीं है ये वो एच पी कंपनी वाला नहीं है ये एच पी हिमाचल प्रदेश है तो हम कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है एक संकल्प तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि संकल्प क्या है तो संकल्प हिमाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो अब जिन बच्चों को ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब नहीं पता तो उनकी नॉलेज के लिए एक बेसिक सी बात बात ये है कि खेती करते हैं कल्टिवेशन करते हैं प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूस बनाते हैं मतलब ड्रग्स को और कहीं से ला रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये सारा का सारा इलीगल काम है तो ये सारा का सारा ड्रग ट्राफिकिंग होता है ड्रग ट्राफिकिंग या नार्को ट्राफिकिंग एक ही बात की जा रही है तो संकल्प उससे रिलेटेड है और एचपी का इनिशिएटिव है जिसमें ये रोकना चाह रहे हैं ड्रग ट्राफिकिंग को स्टेट न्यूज में पहला क्वेश्चन था पांचवे नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया जिसमें उड़ीसा स्टेट के अंदर उड़ीसा सबसे ऊपर रहा यूपी सेकेंड नंबर पे तीसरे पे पुडुचेरी और गुजरात अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में कह रहा था विशाखापट्टनम साउथ जोन का आंध्र प्रदेश वाला फिर हमने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम है महाराष्ट्र में नया बनाया गया है अनवेल किया गया है तो साउथ कोरिया की हैंड हाँ रिवर प्रोजेक्ट को मॉडल बना करके हम यूसी रिवर तेलंगाना वाली को रिस्टोर करेंगे रिवाइव करेंगे इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब है काजीरंगा पहला कौन सा था नामडाफा नामडाफा अरुणाचल प्रदेश में और काजीरंगा शाम में एचपी का इनिशिएटिव ड्रग ट्राफिकिंग रोकने के लिए संकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज आप बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे नाम किसी को भी याद नहीं होगा मुझे पक्का बताए तो एक बार जरा स्टार्ट करते हैं दोबारा से आपने एक काम करना है रिक्स बैंड भी कुछ है क्या क्या इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज भी है क्या तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि आप कितना पढ़ चुके हो तो मुझे जरा नाम लिख के बताइए और उनकी रिसर्च का नाम बताइए जरा मैंने यहां पर सिर्फ पांच नाम जोड़े तो छठा इकोनॉमिक्स वाला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन है क्या इकोनॉमिक्स में कुछ था क्या रिक्स बैंड कुछ है वो डिटेल आप बताओगे आप कमेंट करोगे और आप लिख के बताओगे नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज नोबेल अलग वर्ड होता है ये नोबेल है दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट जनरली ऐसे बोला जाता है तो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज पहला जरा देखिए हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में जरा सुनिए कि जॉन होपफील्ड है और जॉफरी हिंटन है ठीक है, जॉन हॉपफील्ड है और जोफरी हिंटन है इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल एबल एम एल आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क जरा एक बात यह सुनिए कि अगर हम बात करें किसी भी ऐसी डिस्कवरी की तो डिस्कवरी और इन्वेंशन वर्ड्स इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि आप इतना लंबा याद करने लगोगे तो बींग यू नो स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल होगा दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद कर लीजिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में इन्वेंशन है डिस्कवरी है इससे शायद याद रह जाएगा इसलिए बोल रही हूँ पूरी कहानी याद करने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि डिस्कवरी इन्वेंशन जनरली होता है तभी इनको कुछ बढ़िया ऐसा बड़ा सा मिलता है तो नोबेल प्राइज में जॉफरी हिंटन है मैंने कहा दोबारा बोल रही हूँ और जॉन ऑप है ये क्या कैटेगरी चल रही है ये फिजिक्स चल रहा है ठीक है सुन रहे हैं आप फिजिक्स चल रहा है फिजियोलॉजी नहीं चल रहा है अगर फिजियोलॉजी चलता तो फिर हम मेडिसिन पे पहुंच जाते तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन चल रही है जी हाँ याद रखिए तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस्को और गैरी रुफकम को विक्टर एम्ब्रोस्को और गैरी रोफकम कन को माइक्रो एन डिस्कवरी और हमने कहा आर डिस्कवरी और इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको पूरा याद करने की ज़रूरत है लेकिन आर एन ए डिस्कवरी आर एन ए डिस्कवरी और साथ ही साथ जीन रेगुलेशन में इसका रोल याद करने से भी चल जाएगा इतना छोटा भी चल जाएगा क्योंकि नाम ही पहले भाई भरकम है ना हमारे लिए अलग नाम है इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल होता है विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रफकम विक्टर एमब्रॉस और गैरी रफकन फिर मैंने कहा माइक्रो आरएनए डिस्कवरी और इसका रोल जीन रेगुलेशन में इसके लिए इन्हें दिया गया फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज फिर ऊपर चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर डेविड बेकर डेमिस हासबेस और जॉन जम्पर प्रोटीन स्ट्रक्चर और डिजाइन ये तो आसान है ये पक्का आप याद कर लोगे तो केमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के ऊपर काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में डेविड बेकर को डेमिस हैसबिस को और जॉन जम्पर को ठीक है यहाँ पर जो मल्टीपल लोग हैं देखिए होता ही है ना कि इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अकेला कोई इंसान कर रहा हो तो खुद बहुत बड़ी बात लगने लगती है जनरली दो तीन लोग मिलके काम कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर और ये हो, होते बहुत बड़े से लोग हैं वैसे ही कोई हार्वर्ड में बैठा होता है कोई ऑक्सफर्ड में बैठा होता है कोई कोई एम uh, आई में बैठा होता है तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर टाइप लोग या बहुत बड़े टाइप के लोग होते हैं तो ये जो एक काम बहुत सम, लंबे समय से कर रहे होते हैं नोबेल प्राइज से एक कन्फर्मेशन मिल जाता है इनके काम को भी और आप जानते ही हैं कि रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड मिल जाता है नोबेल प्राइज मिलना वैसे ही बहुत बड़ी बात है फिर बोल रही हूँ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज पहला हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था फिजिक्स के अंदर मैंने जॉन होपफफी जेफरी हिंटन फिर मैंने कहा सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से चल जाएगा गुजारा केमिस्ट्री में डेविड बेकर डेमिस हास और जॉन जॉम प्रोटीन स्ट्रक्चर और डिजाइन के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रफकन को ये माइक्रो एर आर डिस्कवरी के लिए और इसका रोल जीन रेगुलेशन के लिए लिटरेचर में हांगकांग है हांगकॉन्ग नहीं है प्लीज हांगकॉन्ग नहीं है हांगकांग है तो याद ऐसे कर लीजिए तो ये महिला है हम कह रहे हैं ये साउथ कोरिया से है तो ये अलग बात है आपको बता दूँ तो साउथ कोरिया से हैंंगक को मिला लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज बहुत बड़ी बात है पीस कुरियाई जो होते हैं वैसे इनको बहुत कुछ मिली जाता है और मिली जाना चाहिए सारे काम ही इतने अच्छे हैं इनके तो हम कह रहे हैं पीस निहन सुनिए जरा क्या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जी कैसे एक बात सोचिए अगर आप किसी तरह के बड़े लेवल का डेवेस्टेशन सोचे कि अमेरिका ने उठा करके आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं लिखा है वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीस के लिए ही तो अब काम करेगी तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सर्वाइवर्स फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी प्लीज सुनिए और ये निहोन हिडांग्यो है निहोन हिडांग्यो ये ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं जापानीज जो सर्वाइवर्स जो है हिरोशिमा और नागासाकी के वो प्लीज सुनिए पीस का अवार्ड उन्हें दोबारा से फिजिक्स जॉन हॉपफील्ड फील्ड हिंटन केमिस्ट्री डेविड बेकर डेमिस हैसेबिस पांच पांच बार लिख करके देखना पड़ेगा नहीं तो नाम याद नहीं होगा सुन लो मुश्किल है डेविड बेकर डेमिस हास्बिस मेडिसिन विक्टर एमब्रोस और गैरी रफकन लिटरेचर में हैंग कैंग सिर्फ हैंग कैंक याद होगी आपको साउथ कोरिया वाली अभी आज, आज आज कुछ भी याद नहीं होने वाला ज्यादा से ज्यादा आपको पीस में निहोन हैड याद हो जाएगा क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़ा हुआ है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा लेकिन बाकी तो आपको तीन तीन चार चार बार लिख के याद करने पड़ेंगे क्योंकि जब आता है नोबेल तो एग्जाम में आता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है प्लीज हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा क्या आ रहा है अब ये बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दो अब जरा पहले क्वेश्चन पे देखिए मुद्रा लोन लिमिट जो है उसे बढ़ा करके डबल करके बीस लाख कर दिया गया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सुन लो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो एस दे रहे हो आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो आप आर का एग्जाम दे रहे हो आप आई का मतलब कोई एग्जाम दे रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कई बार एल वाले में भी पूछ लेता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सभी के कोई भी एग्जाम होता है तो उनमें क्वेश्चन आते हैं देखिए पूरा वीडियो मैंने एस को केंद्रीय विद्यालय को बैंक को सबको दिमाग में रख के मैं बनाती हूँ कुछ बच्चे क्लैट भी देते हैं कुछ बच्चे स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम देते हैं केंद्रीय विद्यालय देते हैं रेलवेज देते हैं तो सबको दिमाग में रख के बनाती हूँ करंट अफेयर्स अलग नहीं आता है प्लीज ये मत समझा करो कि किसी एग्जाम स्पेसिफिक के लिए मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग वाला पार्ट जहाँ थोड़ा अलग है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ तो मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर बीस लाख कर दी गई है ये याद रखिएगा देखिए अगर सरकार कोई काम करे लोन दे रही है किसी को भी किसी भी तरह का चाहे एस को दे दे हम कह रहे हैं ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं क्योंकि सरकार लोन दे रही है तो लोन ही दे रही है वैसे तो बट एनी बीस लाख इसकी लिमिट कर दी गई है ये याद रखिएगा उसके बाद देखिए मैं मैं मेरा कहने का मतलब यही था कि चाहे एमएसएमई को दे या किसी को भी दे इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई और यूएई का पेमेंट प्लेटफॉर्म है आनी ए एन आई जैसे हमारे यहाँ पे यू पी आई है उनके वहाँ पर डबल ए एन आई आनी है तो यू ए का पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी और इंटरलिंक किया गया है यू पी आई को आराम से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं आराम से पेमेंट भेज सकते हैं दोनों को अगर लिंक कर देंगे तो आप अगर कोई वहाँ बैठा है या वहाँ से कोई पैसे भेज रहा है आराम से काम कर पाओगे वो सहूलियत है वो कन्वीनियंस है स्टैंडर्ड चार्ट का इकतालीस सौ करोड़ का पर्सनल लोन था जो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीद लिया अब आपको लगेगा लोन खरीद लिया आप पागल हो गए देखिए लोन पे इंटरेस्ट खरीद लिया तो अगर लोन देते हैं तो आप जानते हैं अच्छे लोन होते हैं बुरे लोन होते हैं मतलब बैड डेट वाली जो कैटेगरी होती है लेकिन लोन में सब कुछ होता है तो कोटक ने क्या करा है वो वाला लोन खरीद लिया है अब इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कोटक के पास आएगा तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इकतालीस करोड़ का जो लोन जो दे रखा था पर्सनल लोन वो सेगमेंट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने ले लिया खरीद दिया है कितने में खरीदा है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4100 में टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई फोन पे पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक जरा सुनिए इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई आपको जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए यूपीआई के थ्रू चाहिए जल्दी जल्दी चाहिए ठीक है जी तो इसके लिए पे ने आईसीआईसीआई के साथ पार्टनर किया ठीक है तो फोन पे ने हाल फिलहाल आईसीआईसीआई के साथ पार्टनर किया है रिगार्डिंग व्हाट मैंने कहा आपको इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई पे डॉलर फोर मिलियन करेंसी सोअप अग्रीमेंट साइन किया है आर ने और मॉलडीव के मॉनिटरी अथॉरिटी ने जरा सुनिए किसी और कंट्री का मॉनिटरी अथॉरिटी जैसे मैंने कहा कि मॉलडीज का मॉनेटरी अथॉरिटी या किसी और जगह का सेंट्रल बैंक तो ये अगर कोई अग्रीमेंट करें या साइन करें तो कितनी बड़ी बात होती है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डॉलर 400 मिलियन का करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट तो करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया आरबीआई और मॉल्डीज मॉनिटरी अथॉरिटी ने समझ रहे हैं एक बार और रिवाइज करते हैं तेजी के साथ मुद्रा लोन लिमिट बढ़ा करके डबल कर दी बीस लाख कर दी कह रहा इंटरलिंक किया गया है हमारे यूपीआई को और यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आनी को स्टैंडर्ड चार्टेड का इकतालीस सौ करोड़ का जो पर्सनल लोन है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीद लिया है टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यू पी आई फोनपे ने आई सी आई सी आई के साथ अभी पार्टनरशिप किया है डॉलर फोर हंड्रेड मिलियन का करेंसी सॉप अग्रीमेंट है जो मोलडीज के मॉनिटरी अथॉरिटीज के साथ आर बी आई ने साइन किया है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपने लाइक नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक दबा दो और अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए होते हो कि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कुछ भी तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे इससे आपको शायद मैं जब देखिए अभी मेरा बड़ा नया सा अकाउंट है फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चन सीधा डालती रहूंगी और आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे नोट्स नहीं बनाते हो लिखते नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो मैं क्वेश्चंस आपको वहाँ देती रहूंगी और सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग